हेलो फ्रेंड्स एंड देख सकते हो तुम्हारे लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा बड़ा रावण बना रखा है और यहाँ पे उसकी एक छोटी सी सोने की लंका। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए बनाया जो कि मैंने 5-6 घंटे में लगातार मेहनत करके बना रखा है। तो तुम कम से कम मेरी 5-6 मिनट की वीडियो तो देख ही सकते हो, और वीडियो तुम्हें अच्छी लगे तो लाइक कर देना वीडियो को। तो सबसे पहले मतलब रावण का दहन करने से पहले मैं तुम्हें चारों तरफ से व्यू दिखा देता हूँ कि पीछे से कैसा है। तो ये देखो हमारी लंका है, और जिसमें जो छोटे छोटे टावर हैं उस पर खड़े हैं मतलब रावण के सिपाही। ये देखो TNT भी है। अब देखो रावण का व्यू देखो पीछे से, हर सर पे एक TNT, और यहाँ पे ढाल है, रावण की तलवार है, तो देख सकते हो यही है। और जो नीचे कुछ आदमी तुम लोग देख पा रहे हो, ये सब मतलब जो देखने आते हैं जब रावण दहन होता है वो देखने आते हैं, तो वही सब है ये सारे बंदे। और यहाँ पे एक आयरन की बार है जो कि ज़्यादा आगे ना जाए, मान लो रावण फटेगा तो ये सब मर सकते हैं, तो इन्हें खतरा है, इसलिए आयरन की बार लगा रखी है मैंने। और ये जो मतलब रावण का किला या फिर जो रावण का महल है, इसके अंदर देख सकते हो काफ़ी सारे मतलब रावण के सिपाही हैं जो कि मैंने बंद कर रखा है, बाहर नहीं आने दे रहा मैंने। तो बस आज करने वाले हैं रावण का दहन मतलब खात्मा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई मुझे सामान चाहिए होगा ना, तो उसे निकालते हैं अपने चेस्ट में से। तो एक धनुष चाहिए, एक तीर चाहिए, बस इतना काफ़ी है। और सबसे पहला नंबर आता है रावण की लंका का, मतलब सोने की जो लंका है। तो चलो सबसे पहले अपने छोटे वाले वॉच टावर पे जाते हैं। चलो अब ठीक है, अब बस मुझे कहाँ पे मतलब टारगेट करना है, ये बटन देख पा रहे हो, ये देखो ये जो बटन है यहाँ पे मुझे टारगेट करना है कुछ इस तरीके से। और सर बटन दब चुका है और तबाही स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हो। मैं तुम्हें ऊपर से दिखाता हूँ, हाँ यहाँ से सही दिख रहा है। तो अब देखना धीरे धीरे पूरे लंका में आग लग रही है और आग फैलती जा रही है। TNT भी अब धमाका होगा शायद, तो एक TNT एक्टिवेट हो चुका है देख सकते हो, और धमाका हो चुका है। तो अब धीरे धीरे सारी लंका जल रही है। और भाई बताना कमेंट में ये देखने में तुम्हें कैसा लग रहा है, मतलब असली वाली फीलिंग आ रही है या फिर नहीं, तो कमेंट में बताना। तो देखो कुछ भाग इसका बच गया पीछे का, तो उसे हमें अपनी तरफ से जलाना पड़ेगा। रुको मैं यहाँ से निकालता हूँ, कहाँ गया मेरा लावा बकेट, यहाँ पर होना चाहिए, हाँ ये रहा। तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, इतना परफेक्ट नहीं बनाया मैंने। तो रुको यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लावा अपनी तरफ से, और अब देखते हैं क्या होता है। तो अब दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है, और इस बार मुझे लगता है पूरा जल जाएगा। देखो कितनी खतरनाक तरीके से जल रहा है, बिल्कुल असली वाली फीलिंग आ रही है। वैसे जो यहाँ पे बंदे आए थे घूमने शायद वो मर भी गए, एक दो धमाका कुछ ज़्यादा ही हो गया था। बाहर की साइड भी देख सकते हो चुका है, और सारे टावर पर आग लग चुका है देख सकते हो, और ऊपर वाले जो रावण के सिपाही है वो सब भी मर गए। अब लग रही है असली वाली फीलिंग बिल्कुल। अभी रावण की भी बारी आएगी, चिंता मत करो, पहले लंका को जला देते हैं अच्छे तरीके से। इसमें तो भाई बहुत टाइम लगेगा ऐसा लग रहा है, रुको मैं सब जगह डाल देता हूँ, असली मज़ा तो रावण को जलाने में आएगा। रुको अब ठीक है, कोई चांस नहीं है बचने का, मैंने सब जगह आग लगा दी। ये ले तू भी ले, ये बच गया है। तो भाई लंका का तो दहन हो चुका है, अब चलते हैं अपने मेन टारगेट की तरफ। तो इस बार बड़े वाले वॉच टावर पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से मतलब नीचे वाले से देखूंगा तो दिखेगा नहीं ना नीचे से, इसलिए ऊपर पे सही से दिखता है। तो देखो वो जो टारगेट देख पा रहे हो छोटा सा बटन, बिल्कुल वहाँ पे मारना है, और ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो मैं ट्राई करता हूँ, और शायद लग चुका है, शायद कुछ हुआ नहीं बट अभी तक तो पता नहीं लगा अभी, हाँ लग चुका है, आग देख सकते हो नीचे की साइड फैल चुकी है। और देखते हैं क्या होता है, रावण भी शायद सही से नहीं फटेगा ऐसा लग रहा है मुझे। रुको मुझे साइड में आना पड़ेगा चेक करने के लिए आग लगा है या फिर नहीं। तो देख सकते हो आग लग चुका है, पूरी मतलब जगह पे फैल रहा है। चलो अब थोड़ा देखते हैं व्यू, देखते हैं आगे पीछे से। तो धीरे धीरे रावण में आग लग रहा है, ये लग रहा है थोड़ा असली जैसा बिल्कुल, ये देखो धीरे धीरे आग ऊपर जा रही है। एक टांग रावण की जल चुकी है, एक टांग पे खड़ा है, TNT भी एक्टिवेट हो चुका है, और धमाका हुआ देख सकते हो। अब आग ऊपर तक फैल चुकी है, इसके उस स्कर्ट तक, स्कर्ट बोल रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या कहते हैं इसे। तो देखो किस तरीके से हो रहा है, अब आग और ऊपर जा रही है, इसके छाती तक पहुँचने वाली है, और TNT का धमाका हुआ, देखा तुमने, देखो एक और। तो आग ऊपर तक पहुंच चुकी है, अब रावण का कोई चांस नहीं है बचने का। बस थोड़ा सा जो ये प्रोसेस है ये थोड़ा स्लो हो रहा है। तो कैसा लग रहा है तुम्हें कमेंट में बताना भाई ज़रूर से, मुझे तो काफ़ी सही लग रहा है।
लंका भी सही लग रहा था जब दहन हो रहा था, देखो कैसा हो गया, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है मतलब कुछ पिलर से बन चुके हैं, लावा वाले पिलर। ये देखो टीएनटी कैसे कैसे ब्लास्ट हो रहा है, तबाही मच गई। अरे यार ऊपर वाला सर तो बच ही गया, चलो इसे अपनी तरफ से जलाते हैं, रात भी होने वाली है, रात में थोड़ा और सही लगेगा। बट मैंने रात में इसलिए मतलब इसका दहन नहीं करा बिकॉज रात में सही से दिखता नहीं, तो मैं तो फिर कहते कि दिख नहीं रहा सही से, तो इसलिए मैंने सोचा दिन में ही करते हैं। ये देखो इसकी तलवार यहाँ पे भी डाल देता हूँ, अब ठीक है, अब दोबारा से धमाका होगा। ये देखो धमाका होना स्टार्ट हो चुका है। तलवार भाई मैंने डायमंड की बनाई है, रावण बहुत अमीर था ना, डायमंड सोना चांदी सब था इसके पास। कुछ अलग सा ही लग रहा है। चलो सारे सर पे मैं एक एक करके लावा बकेट डाल देता हूँ ताकि जल्दी काम हो जाए। तो मैंने सारे सर पे लावा बकेट डाल दिया है और सारे सर जो है ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। अब भाई यहाँ पे एक बड़ा रावण खड़ा था जो कि अब नहीं रहा, उसका दहन हो चुका है, अब उसकी जो अस्थियाँ हैं लोग उसे घर ले जाएंगे क्योंकि वो शुभ माना जाता है। टावर पे भी आग लगा देता हूँ, कुछ भी नहीं बचना चाहिए रावण के एरिया में। चलो सब कुछ जला दिया मैंने, सर भी ख़त्म हो चुका है, तलवार अलवार कुछ नहीं बची, बस ये वॉन्स टावर बचा है दोनों जो कि जल चुका है। जो हमारे मतलब देखने आए थे लोग वो भी सर मर गए लावा में जल बल के, तबाही मच गई है बहुत ज़्यादा। ये देखो दूर से देखने में, पहले मैं तुम्हें दूर से दिखाता हूँ कैसा लग रहा है, काफ़ी अजीब लग रहा है, मतलब अजीब लगेगा। ये देखो ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या खड़े हो चुके हैं एकदम लावा वाली चीज़ें। तो बस भाई आज की वीडियो में इतना था, रावण दहन हमारा ख़त्म हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है रावण के एरिए में, तो वीडियो भी यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो तुम्हें अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।